हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आरिफ अहमद अपने चैनल बकरा बाज़ार में आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम पहुंच गए हैं बिलासपुर में एक भाई के घर, जिन्होंने छत के ऊपर खस्सी बकरों का पालन किया था। और खस्सी बकरों का पालन कैसे किया था, इसके बारे में पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चार चैनल का लिंक दिया है, जिसमें एक चैनल है मवेशी मंडी। मवेशी मंडी जानवरों का मेरा नया चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो पशुपालन संबंधित बहुत सारी वीडियो उसमें देखने के लिए आपको मिलेगी। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम भाई। वाले सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद गुलरेज अहमद जी। और हम लोग कहाँ पे आज, जगह कौन सी? आज अपन है पुलिस लाइन सिविल लाइन चौक पे, इलाहाबाद बैंक के बगल में, ओल्ड इलाहाबाद बैंक के बगल में। जी जी जी। तो ये बकरी का आपका मतलब छोटा सा फार्म है, शौकिया तौर पे करते हैं? जी हाँ, शौकिया तौर पे है, अल्लाह करम से शौकिया तौर पे है। जी जी। और 5 से 8 बकरों का समथिंग मैं हर साल पालता हूँ। अच्छा, जॉब भी करते हैं सुना? जी हाँ, रेलवे में गुड्स गार्ड के पद पे हूँ मैं। जी, जी। और शौकिया तौर पे बकरी? जी हाँ जी हाँ जी। जी तो कब से शौक रहा है आपका ये? अल्लाह करम से 15 से 20 साल हो गया करीब। अच्छा, घर से पाल रहे हैं बकरे शुरू से। पूरा उच्च नस्ल के ही पाल? हाँ, हाइब्रिड के, पहले देसी थे, अब तो हाइब्रिड ही दे रहे हैं साथ में उनके। अच्छा, टोटली स्टॉल फीडिंग में ही पे रहते हैं? हाँ जी, स्टॉल फीडिंग पे है। और ये फार्म थोड़ा सा बताएंगे आप कैसे बनाए हैं? ये क्या है, एक्चुअल में ये छत का छोटा सा हिस्सा था। अच्छा, तो बकरे पालने का शौक भी था, घर जब नया बनाया तो उसपे इसको अपन लोगों ने टीन का पूरा शेड करके कवर करके बनाया गया है। जी जी। और बकायदा दीवार के साथ इतने मजबूत पैटर्न पे बनाया गया है, दीवार पे होल करके। और अल्लाह करम से उस समय 70 से 80 हज़ार रुपए की लागत आई थी बनाने पे। अच्छा, सेट को ये पूरा दीवार से ही जोड़ रहे हैं या फिर ये टीने का जो बना? नहीं, बकायदा दीवार से जुड़ा हुआ है सब। अच्छा, कुछ दीवार से जुड़ के फ्रेमिंग करके लगा हुआ है ना? जी हाँ जी, होल करके दीवार के आर पार करके ज्वाइंट। जी हाँ, ज्वाइंट पे लगाया गया है। अच्छा जी। गर्मी में हीट तो नहीं करता? नहीं, हीट नहीं करता। कूलर लगे हुए हैं बकरों के लिए, बकायदा कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं बकरों के लिए। जी हाँ, कूलर चलता है, पानी कनेक्शन दिया हुआ है घर पे पूरा। अच्छा, और बैठने के लिए तखत लगाए गए हैं बकरों के लिए। अच्छा, प्रॉपर तखत, 3 तखत लगे हुए हैं बकरों के लिए। जी। ये कितनी जगह है, कितने बाई कितने की? ये समथिंग समझ जाइए 10 बाई 12 की जगह होगी। अच्छा, और इसमें कितने बकरे मतलब? 8 बकरे सफिशिएंट आ जाते हैं। बड़े होने तक, छोटे बड़े होने, हाँ बच्चे तो 12-14 आ जाएंगे, पर बड़े होने तक के 8 बकरे सफिशिएंट है इसके लिए। अच्छा, ये ठंडियों के दिन में ज्यादा काम करते हैं या 12 महीना ये लगे रहते? 12 महीना लगे रहती है। अच्छा, साफ सफाई कितने कितने? साफ सफाई सुबह शाम दोनों टाइम होती है भाई। अच्छा, दोनों टाइम होती जी। मतलब शहर में बकरी पालन छत के ऊपर भी किया जाता है? हाँ जी हाँ, जनरली अभी तो बहुत से लोग पाल रहे हैं, छत के ऊपर ही पाल रहे हैं बकरे। अच्छा, छत के ऊपर मतलब बकरी पालन कर रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना जी। तो अब बकरों को देखते हैं, कौन कौन से नस्ल के हैं? ये मालवा है, और क्या बोलते हैं, बीटल है, गोजरी है, और अल्लाह करम से एक ही अपना मतलब। बकरे बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं आपके भाई, ये कौन से नस्ल का? ये लाल वाला जो है अपना, ये जो है अपना बीटल पे है, ये बीटल, बीटल बकरा है ये। अच्छा, क्रॉस ब्रीड का ये लग रहा है ना। और इसका वेट कितना होगा? लगभग समथिंग 70 प्लस जाएगा भाई। अच्छा, 70 प्लस जाएगा, 70 से 80 के बीच में होगा। कितने साल का हो गया होगा ये? समथिंग भाई 2.5 साल प्लस है, 3 साल का समथिंग है। अच्छा, 2.5 साल 3 साल ना। और ये जो दिख रहा है व्हाइट वाला है, ये भी 6 दांत पे है, 6 दांत पे है, ये 80 प्लस है भाई, ये 80 प्लस आएगा जी। 80 प्लस जी। अच्छा, ये बकरा 80 प्लस आएगा। ये मालवा ब्रीड पे है। ये कितने साल का हो गया होगा? ये भी 2.5-3 साल का समथिंग है भाई। अच्छा, ये बस अपने घर के लिए पालते हैं अपना? जी हाँ, शौकिया घर के लिए पालते हैं। जी जी जी। और इनका दाना कौन सा देते हैं भाई? ये दाना सूखे दाने में भाई, इनको मक्का गेहूं दिया जाता है। ये सब मिक्स है इसमें? जी हाँ, मिक्स कर देते हैं भूसी के साथ। जैसे अभी बरसात आ गया है तो बरसात के हिसाब से? बरसात में इनको सूखा दाना चारा दिया जाता है, गर्मी में इनको गीला चारा दिया जाता है। अच्छा, भिगा के? जी 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 जी। और पत्ते उत्ते भी खाते हैं? पीपल पत्ता और डूमर पत्ता इन लोग को इनको दिया जाता है। और ये खस्सी बकरा है ना? जी सब खस्सी है। अच्छा जी, जैसे ये छोटे बच्चे दिख रहे हैं जी, ये कितने कितने मंथ के होंगे? ये 3.5 मंथ के हैं इन लोग, 3.5। हाँ, ये गोजरी है, ये गोजरी बच्चा है ये। हाँ हाँ जी, ये गोजरी है। लगभग कितना वेट होगा इसका? ये समथिंग 20-22 किलो के समथिंग। अच्छा, के बच्चे 20-22 किलो का है ना ये? सब छोटे छोटे लेके आए थे? हाँ जी हाँ, ये बच्चे लेके आया था, मैं एक महीना पहले लेके आया था, उस समय 17-18 किलो के थे। अच्छा, माशाल्लाह इन लोग का वेट बढ़ा है अभी। अच्छा, तो जैसे इन लोग को जब लेके आते हैं शुरुआत में, तो इनका टीकाकरण वो सब? जी हाँ, लाने के बाद इनको हॉस्पिटल से मैं टीकाकरण करवा देता हूँ। अच्छा, जिला अस्पताल से? जी जी। और उसके बाद इनको 15 दिन अलग रखता हूँ, बड़े बकरों से मिलाता नहीं हूँ। अच्छा, तो अलग कहाँ पे रखते हैं? अलग नीचे घर के आंगन वांगन। अच्छा, रखते हैं, छोटे तो कोई दिक्कत नहीं आती इनको रखने में। कितने दिन के लिए अलग रखना पड़ता है? 15 दिन। 15 दिन बड़े बकरों से मिला दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो अभी आपके पास मतलब बड़े में दो बकरे हैं जी, जी। और छोटे में हाँ, तीन बच्चे हाँ, हैं तीन इंशाल्लाह कुर्बानी होगा है। अच्छा जी, अभी बकरीद में जी हाँ, कुर्बानी हुई हाँ। तो ये पूरा छत है आपका जी भाई, छत है जी। काफी जगह हाँ। खुले में भी बकरी, ये पानी कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ, पीने के पानी से लेकर कूलर के पंप तक यही फिट होते हैं सब पानी जी भाई। ये पानी के लिए जगह है ना। और ये बकरे दो बहुत फुल साइज के हैं, फुल लेंथ में, पूरा इसका जितना वेट गेन होना चाहिए हो चुका है और हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा और बढ़े, इंशाल्लाह 20-25 किलो तो और बढ़ेंगे लोग, हाँ, वेट बढ़ेंगे लोग। एक क्विंटल से तो समथिंग समथिंग जाएंगे इंशाल्लाह, है ना हाँ। दोनों बच्चे और ये छोटे बच्चे अभी और रखने का है, अभी है तीन बकरे और लूंगा बच्चे। कौन से नस्ल का मंगा? मैं सोच रहा हूँ भरबरी और क्या बोलते हैं अपना, ये गोजरी और जमुनापारी में लूंगा। सब खस्सी लेके आएंगे, मतलब टोटल खस्सी ही आप? जी हाँ, क्या भाई वो आप खस्सी रहे तो घर में क्या आसानी से पल जाते हैं। अच्छा हाँ, अंडों में परेशानी हाँ, परेशानी होती है और क्या होता फिर मारना सीख जाए बच्चे छोटे हैं दिक्कत होती है। क्या आप ड्यूटी में रहो तो क्या घर में कोई भी आके चारा दे के चले आता है इन लोग को जी? तो ये चारा बस यही सूखा वाला ही अभी आपके पास जी? हाँ, जो अभी खिला रहे हैं बरसात में? हाँ जी जी। अच्छा, ये चारा बना के खिलाते हैं? अच्छा, आप खुद बनाते हैं जी? अच्छा जी। तो इसमें कितना लगभग एक बकरे में खर्च कितना आ जाता होगा महीने में अंदाज? महीने में भाई पालने के ऊपर, छोटे बच्चे को समथिंग आप ले लेंगे, एक महीने में 500 से ज्यादा खर्च नहीं आता एक बच्चे के ऊपर। अच्छा, 500 से ज्यादा खर्च नहीं आता लगभग लगभग, है ना? हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हाँ, आगे पीछे हो जाए। और बड़े बकरे का, बड़े बकरे का 1500 से 1800 रुपए खर्चा आता है क्योंकि इनकी डाइट होती है जी हाँ, ज्यादा होती है हाँ, इनकी खुराक अच्छी होती है। अच्छा हाँ, स्टॉल फीडिंग में ही 1500 से 1800 खर्च आता है। ठीक है, मतलब एक बच्चे को तैयार करने में लगभग लगभग 2 से 3 साल लग ही जाता है ना बकरे का? भाई मिनिमम मान लिए 2 साल तक तो बकरे की हाइट आती है हाँ हाँ, 2 साल से तीसरे साल में वो वेट पकड़ता है बकरा। अच्छा जी, तो 2 से 3 साल जब वेट पकड़ेगा तब उसको और ज्यादा डाइट जी हाँ, डाइट लगेगी और केयर लगता है उसको फिर। अच्छा, तो जैसे इसमें ज्यादातर बीमारियां आप क्या देखें इतने साल का अनुभव? जनरली सर्दी खांसी बुखार होता है और यहाँ क्या कोई दूसरा आता नहीं है, दूसरे जानवरों को टच भी नहीं होती तो इनको अगर बीमारी होने का खतरा कम होता है यहाँ पर। जनरली बकरों में भाई खुर की बीमारी होती है, सफाई ना होने पे बकरों के खुर पे बीमारी आती है। अच्छा, जैसे गंदगी लग लग के पैर के खुर पे बीमारी हो जाती है। जैसे अभी ये सीमेंटेड एरिया है तो यहाँ पे खुर की बीमारी हो सकती है? हाँ, अगर इनको कंटिन्यू सफाई ना करेंगे ना। अच्छा, तब हो सकती तो तब इनके पैर में गंदगी लगते रहते, लोग की बीट लगते रहते, गंदगी करती है भाई। अच्छा, उसके वजह से हो सकती है जी हाँ। और बाकी सर्दी खांसी नॉर्मल होता है इन लोग को। अच्छा हाँ, तो वो साफ सफाई कितने दिन में करना चाहिए? पर डे करते हैं भाई, सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा, और ये जो बता रहे हैं कि सर्दी खांसी जब होता है तो वक्ती तौर पे क्या इनको दिया जाता है? बकायदा इन लोग को डॉक्टर साहब को बुला के इनको मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा जी, मतलब जो डॉक्टरी इलाज चलता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलता है ना जी। मतलब इलाज पानी कराते हुए बकरे, अभी तक आपको इतने दिनों में बकरों का कुछ नुकसान कभी हुआ? नहीं, अल्लाह करम से कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ बकरों को। मतलब जितना भी बकरे लेके आया सब? हाँ सब, आज तक कभी मेरे कोई बच्चे अल्लाह करम से कभी खत्म नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब केयर करें काफी जा करके? जी हाँ, अच्छा केयर करना पड़ता। जनरली क्या आपके जानवर को सुबह शाम चारा देते समय आप समझ जाएंगे आपके जानवर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, आपको समझ आ जाएगा बीमार है कि क्या है, तो उससे समझ में आ जाता है क्या करना चाहिए हाँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये क्या बोलते हैं कि डॉक्टरी खर्च लगभग कितना आ जाता होगा अंदाज? अगर भाई देखिए प्राइवेट डॉक्टर आप घर में बुलाएंगे तो समथिंग 300 रुपए फीस लेते हैं। अच्छा है ना, और अगर जिला अस्पताल ले आके आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो सब कुछ फ्री है। अच्छा, आने जाने की कास्ट आएगी आपकी मुश्किल से 100-150 रुपए ऑटो के जो लगते हैं वही लगते हैं। मतलब टोटल ले जाकर के आप इलाज करा सकते हैं अगर बीमार पड़ते हैं। जी। और बकरियां कभी नहीं पाले आप? शुरू में पाले थे, अब क्या जॉब लगी सब बाहर चले गए जी जी जी, तो क्या और रहना होता नहीं बकरी को केयर करने के लिए। अच्छा जी, तो खस्सी बकरे कहीं जी जी, जी हाँ। वो चीज है और घर के लिए ही सब जी, घर के लिए शौक के लिए पालता। तो ये कुर्बानी कब कराने का? अगले साल, अगले साल कुर्बानी होंगे दोनों बड़े बकरे, दोनों तैयार तो हैं। इस बार कौन सा कराया था? एसी था वो भी? नहीं, इससे हेवी थे, 95 समथिंग के ऊपर के थे बकरे। अच्छा, कोटा था और क्या बोलते अपना तोता परी बकरे थे। अच्छा जी, तो शहर में छोटी सी जगह में भी बकरी पालन किया जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बकरी पालन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बिलासपुर का ये शहर है, पूरा शहर बसते जा रहा है, चारों तरफ घर बनते जा रहा है, तो जमीनें बची नहीं है, जमीनें नहीं बची हैं, तो छत के ऊपर से भी आप बकरी पालन कर सकते हैं आसानी से। और ये देखिए शेड, एक छत का अच्छा उपयोग कर लिया है इन्होंने कि एक शेड बना दिया है और अच्छा शेड है, इसमें आपको पंखा भी है, कूलर भी है बकरियों के लिए, बकरों के लिए कूलर है, पंखा है, नीचे तखत है और साफ़ सफाई प्रॉपर होती है। तो अच्छे से बकरी पालन ये कर रहे हैं और अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो आप भी इनका देख करके सीख सकते हैं और घर के लिए बकरी पालन कर सकते हैं। तो अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो इनसे भी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसमें मैं दानक के बारे में बताया, कुछ बीमारियों के बारे में बताया, आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ों को ये बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा।
ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें और शेयर कर दिया करें ताकि ये वीडियो आपके प्रोफाइल में रह जाए, बार बार आप इसे देख सकें। छोटे बच्चे के लिए आप मुझसे पूछते रहते हैं कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों तो आप उस वीडियो के कुछ दिन में ही वो बकरे आपको बिकी भाई के यहाँ मिलेंगे और उसके बाद वो बेच के चले जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं तो नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप कभी कोई बाज़ार में वीडियो देखते हैं वहाँ पर अगर छोटे बच्चे अलग अलग नस्ल के मिल रहे हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दें कि ये बच्चे अभी अवेलेबल है कि नहीं, मैं आपको बता दूंगा। और अगर कोई किसान भाई मेरे वीडियो देख करके अपने वीडियो बनवाना चाहते हैं बकरी पालन का, तो आप जरूर से जरूर बकरी पालन का वीडियो बनाने के लिए मेरे मोबाइल नंबर में फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और वीडियो बनाने के लिए मुझे बुला सकते हैं। बिलासपुर के आसपास शहर में मैं आपके यहाँ आके वीडियो आपकी बना सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।